मेंटल मैथ क्लास 8। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। आज हम इस सीरीज में करने वाले हैं बच्चों स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद पार्ट 6 करेंगे और तब तक आप वीडियो को पूरा देखें, देखकर इसमें से प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चों की अच्छी रैंक आए, आपका जो होमवर्क है वो टाइम पर पूरा हो, साथ ही आप हर क्विज में चाहे वो किसी भी लेवल की हो, स्कूल लेवल में हो, क्लस्टर लेवल में हो, जोनल लेवल की, किसी भी लेवल की हो, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है बच्चों, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों नंबर प्लस के हैं, बाकी ये दोनों नंबर माइनस के हैं। ठीक है, तो आइए, 441 का स्क्वेयर रूट होता है बच्चों क्या, 21। ठीक है, स्क्वेयर रूट इससे निकाल लेते हैं। और 196 का स्क्वेयर रूट होता है बच्चों 14। ठीक है, आपको ये लर्न करने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो लर्न होने चाहिए। और प्लस, और फिर लिखा रूट 121 का स्क्वेयर रूट होता है बच्चों 11। ठीक है, और माइनस, और 64 का स्क्वेयर रूट होता है बच्चों क्या, 8। ठीक है, यानी वो नंबर उसको उसी से मल्टीप्लाई करे तो वो नंबर आ जाए स्क्वेयर। तो स्क्वेयर रूट अगर आपसे नहीं निकलना है तो आप इस तरीके से भी आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हैं, और जिसका परफेक्ट पेयर बने उसको आप निकाल लेना। ठीक है ना, इस तरीके से। तो दोनों नंबर क्या है, ये प्लस के हैं, तो आइए इनको प्लस कर लेते हैं। 21 और 11 कितना हो गया, 32 हो गया, 1 और 1 2, और 2 और 1 3, 32 हो गया, और माइनस 14 और माइनस 8 माइनस 22 हो गया। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस होते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, बड़े नंबर के सामने कोई साइन नहीं, कोई साइन नहीं लगाना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को करने के लिए बच्चों देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर नंबर क्या आएगा, अब सबसे पहले गिवन है 35। क्या है 35, तो 35 का अगर हम स्क्वेयर रूट निकाले, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर वन प्लेस पे 5 आए तो उसका स्क्वेयर आपको लिख देना है। ठीक है, 5 का स्क्वेयर 25 होता है, और 3 से नेक्स्ट नंबर होता है 4, 3 से नेक्स्ट नंबर होता है 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, ये आ गया, अब यहाँ पर ये आ गया 35 का स्क्वेयर आ गया 1225। ठीक है, अब इधर लिखा है कि भाई ये दोनों नंबर ना इक्वल हैं, ये दोनों नंबर क्या इक्वल हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या नंबर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है, हमें मालूम नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको x मानकर भी कर सकते हैं कि दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 की टेबल तो आपको आती होगी, तो कर लेते हैं। 25 7 जा पे जाएगा ये 1, और 25 4 जा होता 100, और 225 पे ये होता 9 पे। ठीक है, इस तरीके 7 जा 9, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 7, तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अगर इस तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है आपसे, तो इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों इक्वेशन का मतलब है कि दोनों नंबर आपस में क्या इक्वल है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, तो 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, देखो बच्चों इधर को, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हूज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 12 है। तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आपको रखना होगा 2m को रखना है बच्चों इक्वल 12 के। ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू आ जाएगी 12, और 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड किया 6 आ जाएगा। यानी कि देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ ट्रिपलेट क्या होती है, मैं आपको, और ये आपके मेंटल मैथ में भी आई थिंक दिया होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आपको ना ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये देखिए, ये पाइथागोरिक ट्रिपलेट है। ठीक है, ये यहाँ पर इस फॉर्म में हमें लिखना है, तो आप देख लो ध्यान से, 2n और n स्क्वेयर माइनस 1 और n स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, n हो या m हो एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, और ट्रिपलेट क्या होती है, 2m। ठीक है,
और एम स्क्वायर पर एक बार प्लस में आएगा और एक बार किस में आएगा, माइनस में आएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये आ गया। तो बच्चों आपको ना बिल्कुल भी कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज आपको नहीं आती है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जैसे आजकल बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप ना ये करें कि क्वेश्चन नंबर सॉरी जो चैप्टर नंबर 6 है क्यूब और क्यूब रूट उसका निकाल दें। ठीक है, वो भी करेंगे बच्चों, अभी हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये तो m की वैल्यू आ गई है, अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या 12 है, ये तो आपको मालूम है। अब हमें क्या ना एम स्क्वेयर प्लस वन, एम की जगह एम की वैल्यू को पुट करना है, 6 स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, अब प्लस वन हो रहा है तो इसका मतलब ये लार्जेस्ट नंबर होगा, तो इधर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेकंड नंबर होगा 6 स्क्वेयर माइनस 1, इस तरीके से। ठीक है, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 36 प्लस 1। ठीक है, और 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 36 माइनस 1, अब यहाँ पर आ जाएगा 37 और ये आ जाएगा 35। तो ट्रिपलेट क्या है, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 12 है और फिर एक नंबर है 37, एक नंबर है 35, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो गिवन है। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर गिवन है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 37 है, तो लार्जेस्ट नंबर इधर लिख देते हैं। ठीक है 37 ये आपका नंबर आ गया। अगर पूछा जाए कि जो ट्रिपलेट है वो फाइंड आउट कीजिए तो आपको फिर 3 नंबर लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, बहुत ही इजी है। फाइंड एक्स, एक्स फाइंड आउट करना है इफ 5x, ठीक है, आइए 5x इक्वल है 49 स्क्वेयर माइनस 44 स्क्वेयर। ठीक है, 44 स्क्वेयर है। तो बच्चों इस कंडीशन में ये गिवन है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्मूले पे, और इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना, इस तरीके से करना है। तो नीचे कर लेते हैं, तो 5x इक्वल, तो ए प्लस बी में लिखेंगे 49 प्लस 44, ए माइनस बी 49 माइनस 44। ठीक है, इस तरीके से इधर x की वैल्यू निकालनी है तो x रख लेते हैं, प्लस किया 9 और 4 13। ठीक है, 4 और 4 8 और 1 9, इंटू माइनस किया इधर 5 आ गया, 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 93 इज द आंसर, 93 आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आइए इधर कर लेते हैं, और इसको ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 1 लिखिए, 1 के बाद क्या है 2 डिजिट है, सॉरी पॉइंट के लिए 1 लगाइए, पॉइंट के लिए क्या लगाना है 1 लगाना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 20 लगानी है, प्लस का साइन, फिर इधर भी वही करना है, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 20, और 8 पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 20, इस तरीके से आपको कर लेना है पहले। ठीक है ना, सभी में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, आइए एक्स की वैल्यू, अब देखो अब ये फ्रैक्शन आ गए हैं, सबको फ्रैक्शन है तो सबके बीच में प्लस का साइन है, प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए सबसे पहले आपको न्यूमेटर को देखना है, ये न्यूमेटर और डिनोमेटर को भी देखना है। अब डिनोमेटर इक्वल हैं, डिनोमेटर क्या है इक्वल हैं, तो इनमें से एक डिनोमेटर लेना है, और न्यूमेटर को आपके सबके बीच में क्या प्लस का साइन है तो प्लस कर देना है। ठीक है, ये कर लेते हैं, 13 और 11 कितना होता है 24 और 8 कितना होता है 32 और या 4 36 होता है बच्चों। ठीक है, इधर तो 36 का स्क्वेयर रूट होता है बच्चों 6 और 100 का स्क्वेयर रूट होता है 10। ठीक है, 6 10 तो पीछे से 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना, ये आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ये रहा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ठीक है, आपको देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है ना, तो 1 प्लस 23, अब यहाँ पर ये रूट का साइन है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है 23 रूट के साथ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, और 1 प्लस 24 और इधर ये, ठीक है, 1 प्लस 25
और इसको तो हमें करना है सोल्व। यहाँ पर ये भी क्या है 25 और रूट के सामने क्या मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई का साइन मैं लगा देता हूँ अभी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है और वन को ऐड कर देना है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है बच्चों। तो एक रफ कागज मैं ले लेता हूँ, उस पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आइए 26 और 28 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 6 48, ठीक है, कैरी 4, 8 2 16 और 2 20, ठीक है। 26 2 होता है 52, तो 52 आ गया। और ऐड किया तो 8, ठीक है, 2 5 और 2 क्या आ गया 7, ठीक है। इसमें 1 को क्या करना है, ऐड करना है। ये 1 क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और 1 को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पे आ जाएगा 729, और 729 का स्क्वेयर रूट है, रूट पे है ना, तो 729 का स्क्वेयर रूट होता है बच्चों क्या होता है, 27 होता है। तो यहाँ पर लिखना है 27, ठीक है ना। आइए अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। आइए कर लेते हैं 27 को 25 से, ठीक है। 25 7 जो होता है 175 का 5 कैरी आ गया 17। 25 2 जब होता है 50, 50 में हमें 17 ऐड करना है तो आ जाएगा 67, ठीक है, ये आ गया। और 67 में 1 क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करें तो 676 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं इसको आगे इस तरीके से, 1 + 23 और 1 + 24, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, ये चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार, 24 है ना ये, तो और ये कितना आ गया, 676 आ गया, ठीक है। आइए अब 676 का स्क्वेयर रूट निकाल लेते हैं। तो 1 + 23 ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है रूट, और 1 + 24 और मल्टीप्लाई 676 का स्क्वेयर रूट होता है बच्चों 26, ठीक है, 26 होता है। आप क्या करना, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना है। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 कितना होता है 24, कैरी 2, 4 2 8 और 2 10, ठीक है। 26 2 कितना होता है 52 होता है, ठीक है। आइए 4 2 6 624 आ गया। 624 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वह 624 में ये वाला 1 ऐड कर देंगे तो 625 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 625 लिखना है इस तरीके से, 1 + 23 और ये कितना आ गया 625, ठीक है, इस तरीके से। आइए इधर कर लेते हैं, तो 1 + 23 और मल्टीप्लाई, क्योंकि रूट और 23 के बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, ठीक है। आइए करते हैं इधर, अब क्या करना है, 1 + अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बोर्ड मास का रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई होनी चाहिए। 23 को 25 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 3 जो होता है 75 का 5 कैरी 7, 25 2 जो 50 और 7 57, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 576 आ जाएगा, सॉरी 576, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देना, मैं सीधा चलो ये कितना आता 575 आता। अब इधर कर लेते हैं तो प्लस करने पे आ गया 576 का स्क्वेयर रूट होता है बच्चों कितना होता है बताइए, 24 होता है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से करना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अभी टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और अच्छी रैंक लेके आइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।